पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत की बारिश जारी है। भारी बारिश के चलते कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तराखंड, महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। सड़कें समंदर बन गई हैं। मुंबई की बात करें तो यहां मौसम की बारिश से शहर का बुरा हाल हो गया है। हालांकि कल रात से लोगों को मुसीबत की बारिश से थोड़ी राहत मिली है और दूसरी तरफ उत्तराखंड में आसमानी आफत कहर बनकर टूट रही है। पिथौरागढ़ में रामगंगा नदी पर बना पुल बह गया और पुल के बहने से बागेश्वर और पिथौरागढ़ का संपर्क टूट गया है। तो वहीं बागेश्वर में नदियों के उफान की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। राजधानी देहरादून में घरों में पानी घुस गया है और दिल्ली में भी अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ से मैदान तक जल प्रलय, दरकते मकान, टूटती उम्मीदें, पहाड़ पर पानी का प्रचंड प्रहार। सड़क पर सैलाब, मकान में सैलाब, स्कूल में सैलाब। ऐसा लग रहा है कि जैसे हर जगह सैलाब ने डेरा जमा लिया है। नदी का पानी किनारे तोड़कर गांवों में जा घुसा। तो हजारों लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि वो किसी गांव में रह रहे हैं या फिर समंदर के बीच चले गए हैं। आफत की बारिश ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। भारी बारिश की वजह से नाचनी में रामगंगा नदी अपने पूरे उफान पर है। नदी के बढ़ते जलस्तर से रामगंगा पुल बह गया। वहीं नदी का पानी रिहायशी इलाके में आ जाने से यहां पर धीरे धीरे खतरा बढ़ने लगा है। आफत की इस बारिश में एक जेसीबी मशीन और दो कारें भी बह गईं। तो वहीं पिछले दो दिनों से बागेश्वर में हो रही भारी बारिश से कई क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। कपकोट नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 में तो कई घरों में पानी घुस गया और घर का रखा सामान पानी के तेज बहाव में बह गया। मौसम का ये बदलाव बीती रात अचानक भयानक बारिश के बाद शुरू हुआ, जब कपकोट चकतरी को जाने वाले रास्ते में बारिश का मलबा आने से मकानों को खतरा हो गया और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। कई गाड़ियां पानी के तेज बहाव के चलते मलबे में ही दब गईं और कुछ सरयू नदी में ही जा गिरी। प्रशासन ने जानकारी मिलते ही रेस्क्यू और पीड़ितों को राहत पहुँचाने का काम शुरू कर दिया है। पूरे क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। से लगातार बारिश होने के कारण जो लगभग 225 mm कपकोट में रिकॉर्ड की गई है बारिश, इससे पूरे क्षेत्र में लगभग वाटर लॉगिंग की शिकायत आ गई थी। चारों तरफ लैंडस्लाइड्स भी काफ़ी जगह में देखने को मिले हैं। प्रशासन पूरी तरफ से तैयार है। सुबह 5 बजे से जब से हमारे पास फोन आने शुरू हुए, हम प्रशासन की पूरी टीम जगह जगह जाकर मौका मुआयना कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में उत्तराखंड के कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिन इलाकों में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है उनमें देहरादून, चंपावत, पिथौरागढ़ और नैनीताल शामिल हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य के आपदा प्रबंधन तंत्र को भी अलर्ट पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश हो रही है जिसकी वजह से देहरादून में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। सीमद्वार इलाके में मकान ढह गया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। डालनावाला, बल्लीवाला और सहसपुर में 3 लोगों की पानी के तेज बहाव में बहने से मौत हो गई। बारिश को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है और प्रशासन फिलहाल राहत और बचाव के काम में जुटा हुआ है। रिस्पना नदी के रौद्र रूप ने काफी नुकसान पहुंचाया है। जिस नदी को मुख्यमंत्री पुनर्जीवित करने की बात कर रहे हैं, रिस्पना नदी, उस रिस्पना नदी ने आज अपना रौद्र रूप दिखाया और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि उसके किनारे जो बस्तियां हैं, जो घर हैं, वहां पर कितना नुकसान हुआ है। देखिए ये कमरा है और यहाँ पूरा सामान
और पानी मलबा सब कुछ ख़त्म कर दिया है रिस्पना नदी के रौद्र रूप ने। और ऐसा ये केवल एक मकान नहीं है बल्कि सैकड़ों मकान हैं इस नदी के किनारे जो लोग रह रहे हैं। अब पीछे आप जा पीछे देखिए, ये किचन है, यहाँ पर भी पूरा पानी अस्त व्यस्त हो गया है, काफ़ी नुकसान हुआ है इन घरों में। देखिए बर्तन सब पानी अब निकालने की कोशिश कर रहे हैं बाहर। अब यहाँ से निकल के चलते हैं हम और से पूछते हैं, जो ये बताइए कि ये जो पानी आया था कितने बजे से बारिश हो रही थी, सुबह कब आया था? 5 बजे शुरू हुई थी, 5 बजे से सारा नुकसान हो गया हमारा। तो आप लोग उस समय उठ गए थे? उस टाइम उठ गए थे, सारा सामान निकाले सर, हम भेज रहे थे, लड़की भी भेज गई मेरी, तो बहुत नुकसान हो गया, कुछ भी नहीं बचा घर में। अब हम काम भी सारा पलंग सब, एक चीज भी नहीं बचा, अब हम क्या करें? पूरा सामान अस्त व्यस्त है, काफ़ी नुकसान हुआ है, केवल ये एक घर नहीं है बल्कि ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पर इस तरीके की पानी मलबा घुसा है घरों में। और घरों से लोग, सुबह 3 बजे से बारिश हो रही थी और अफरा तफरी का माहौल था पूरे देहरादून के, जो रिस्पना और बिंदाल और ऐसी बहुत सारी जो छोटी छोटी गाड़ गदेरे हैं जो रिस्पना में मिलते हैं। कैमरामैन गोविंद सिंह के साथ संदीप गुसाई, जी मीडिया, देहरादून।